प्रयागराज के थरवई के 40 नंबर गुमटी मोहल्ले में बुधवार की सुबह दरोगा के बेटे पंकज यादव का कत्ल करने वाले राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के बीच पैसों का विवाद ही सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार देर रात थरवई इलाके से गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस को घटनास्थल से आरोपी राज का मोबाइल मिला था। पुलिस को आरोपी ने बताया कि पंकज को पुराना मोबाइल बेचा था, मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही थी, लिहाजा उसने मोबाइल वापस दे दिया और अपने रुपए मांगने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी हुई थी। पैसे के लेन देन को लेकर पंकज और रोहित के बीच दो दिन पहले भी कहासुनी, गाली गलौज व मारपीट हुई थी। गुरुवार की दोपहर पंकज यादव क्लिनिक में गया और अपने पैसे मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और राज ने पंकज को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग क्लिनिक की ओर भागे, पर राज बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। एक व्यक्ति पंकज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें जो नामजद अभियुक्त सामने आया था उसका नाम राज यादव है, उसकी कल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। जो मूल विवाद इनके बीच का निकल के आया है वो एक मोबाइल को खरीदने को लेके पैसे का लेन देन का है, जिसमें जो मृतक है वो अपना पैसा मांगने राज यादव के पास गया था, जिसको ना देने के कारण और इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में उसके द्वारा इनको गोली मारी गई थी। इसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें हमारे द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व ACP थरवई स्वयं कर रहे थे। इसमें एक अच्छा काम हुआ है, 36 घंटे के अंदर इसमें अरेस्टिंग हुई है अभियुक्त की, और इसमें जो है सहयोग हमें सबसे पहले क्राइम होने के बाद में वो CCTV कैमरा जो 40 नंबर गुमटी के आसपास लगे हुए थे उनसे हुआ है। तो इसमें ऑपरेशन दृष्टि का एक बहुत बड़ा सहयोग पुलिस विभाग को फिर से हुआ है, और मैं वापस से आप लोगों के माध्यम से हमारे आसपास रहने वाली जनता है और कमिश्नरेट की जनता है उनसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के सामने और अपने व्यवसायों के सामने कैमरा अधिष्ठापित करें और उसका फीड भी पुलिस विभाग के साथ शेयर करें। इस पर हमारी ही सहायता नहीं, आपकी सुरक्षा भी होती है। आप लोगों को सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगवाएं। मृतक पंकज यादव हसनपुर कुरारी सराय चंडी थाना थरवई का रहने वाला था। प्रयागराज के तेलियरगंज में उसका मकान है। पंकज यादव 40 नंबर गुमटी थरवई में मकान बनवा रहा था। उसके निर्माणाधीन मकान के बगल में झोलाछाप राज यादव ने जन कल्याण चिकित्सालय के नाम पर क्लिनिक खोल रखी थी। वहां आते जाते पंकज की रोहित से दोस्ती हो गई थी, वो अक्सर ही क्लिनिक में बैठता था। बुधवार को भी पंकज क्लिनिक गया, वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी रोहित वहां से तुरंत बाइक लेकर भाग निकला। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने को MBBS डॉक्टर बताता था। यही नहीं, वो अपना नाम अलग अलग बताता था, किसी से रोहित शर्मा नाम बताया तो किसी से रोहित विश्वकर्मा। जांच में ये भी पता चला है कि उसके खिलाफ जालसाजी के प्रतापगढ़ थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाल रही है, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है। इसके साथ ही उसकी संपत्तियां कोर्ट की जा सकती हैं।